हरियाणा में बीजेपी की जीत से उत्तराखंड में किसको क्या सीख मिलेगी? जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने क्यों चले गए? धामी मोदी की ये फोटो दिवाली का इंतजार करने वालों को कैसा फील करवा रही है? केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी की महिला पावर कितनी ज्यादा एक्टिव है? कांग्रेस वाले टिकट के लिए क्या क्या करवा रहे हैं, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में वो हो गया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी, या फिर यूं कि किसी को थी ही नहीं। खुद हरियाणा बीजेपी से जुड़े हुए बहुत सारे नेता दबी जुबा में ये कहते रहे कि कांग्रेस मामला निकाल लेगी। अब उन्हें ये पता नहीं था कि भाई ये कांग्रेस है, यहाँ नेता ज्यादा और कार्यकर्ता काफी कम होते हैं। सुबह जब रिजल्ट आना शुरू हुआ हरियाणा का, तो एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस 60-65 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही थी। शुरुआत के एक घंटे में ये लगा कि कांग्रेस हरियाणा में अपनी सरकार बना रही है। कांग्रेस में जश्न का माहौल भी शुरू हो गया। सरकार बनी ही नहीं थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चाएं शुरू होने लग गई। कोई लोग बोले कि भाई हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो कोई बोल रहा था कुमारी शैलजा आगे चल रही। जश्न में जल्दबाजी तो कांग्रेस ने कर दी, लेकिन दो घंटे के बाद वक्त बदल गया, हालात बदल गए और जज्बात बदल गए और बाजी पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने अपनी सरकार बना दी। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने वाला फैक्टर हरियाणा में भी बीजेपी के काम आया। खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और चुनाव जीत गए, जबकि माहौल कुछ और ही कह रहा था। ठीक 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की स्थिति देखिए, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के आसपास चुनाव हो रहा है। उस समय भी तीरथ सिंह रावत को हटा करके 6 महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जो चुनाव कांग्रेस के आसपास लग रहा था, वो बीजेपी ने बंपर तरीके से उत्तराखंड में जीत लिया। हरियाणा में भी गुट नजर आए, उत्तराखंड में भी गुट बने हुए थे। हरियाणा कांग्रेस में भी सभी को मुख्यमंत्री बनना था और उत्तराखंड कांग्रेस में भी उस वक्त सभी को मुख्यमंत्री ही बनना था। यानी कि ये बात साबित होती है कि कांग्रेस में हवा हवाई वाला चलन थोड़ा सा ज्यादा है। परोस करके अगर जीत रखी हो तो ओवर कॉन्फिडेंस में वो जीत भी चली जाती है। इसका एक क्रेडिट तो बीजेपी को भी देना होगा, क्योंकि वहां पर जो मशीनरी काम करती है, वहां पर जो संगठन काम करता है, मजाक में कई बार लोग ये बोल देते हैं कि भाई बीजेपी में जाकर के पन्ना प्रमुख बन गए। लेकिन जब पन्ना प्रमुख जैसी रणनीतियां ही हैं, इन्हें जब डीकोड करते हैं तो उसी से ही जीत निकलती है। एक बात तो है कि बीजेपी हारी हुई बाजी को जीतने में माहिर बन चुकी है। अब ये मत सोचिएगा कि इल्जाम ईवीएम पर लगाया जाएगा, नहीं। अमित शाह के समय से जो काम संगठन में हुआ है वो बड़ा ही खतरनाक काम हुआ है। उसका 50% भी अगर कांग्रेस कॉपी कर ले तो उसका भी काम हो जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी यहाँ पर खूब तारीफ होनी चाहिए। वो चुनाव को छोड़ते नहीं है आसानी से, आखिरी समय तक जुटे रहते हैं। मन की बात सुनने पर भी चाहे कितना ही ज्यादा मजाक उड़ा लिया जाए, लेकिन उसके लिए भी गली मोहल्ले में 15 से 20 लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। और जब एक कार्यकर्ता इस तरीके से काम करेगा तो फिर उसे चुनाव हरवाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिल तो गई थी, लेकिन वो बीजेपी के लिए मजे वाली जीत नहीं थी। तब से लेकर के अब तक हरियाणा ने पहला मौका दिया है बीजेपी को कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिलेगा, खास तौर पर उत्तराखंड में, क्योंकि यहां पर भी आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है। और जैसा माहौल बीजेपी को लेकर के बन रहा था, कार्यकर्ताओं को लगेगा कि भाई यहां पर भी माहौल को बदला जा सकता है। दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस को भी हरियाणा से सबक लेने की जरूरत है। उनकी प्रदेश प्रभारी खुद हरियाणा से हैं। कुमारी शैलजा जो हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही थी, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस में भी बतौर प्रभारी वो कुछ खास कर नहीं पा रही है। हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियों को हटा जरूर देती है या फिर रद्द जरूर कर देती हैं। बीजेपी ने काफी समय पहले से ही जोर लगाना शुरू कर दिया है। मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री सब कोई एक्टिव है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चुनाव कितना बड़ा चुनाव है। लेकिन कांग्रेस में कभी कोई किसी को लेकर के नाराज हो जाता है, कभी कोई इशारों में जादू चलाने लग जाता है। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि भाई बाकी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं, कोई कहता है कि ये उनका टिकट नहीं होने देना चाहता, कोई कहता है कि फलाना उनका टिकट नहीं होने देना चाहता। कांग्रेस को इस भ्रम से भी दूर निकलना होगा कि बद्रीनाथ जैसा चुनाव हर बार रिपीट नहीं होता है। अब जब हरियाणा में जीत का माहौल था, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस माहौल को खूब कैश करने की सोची। कैश दो तरीकों से किया, एक तो उत्तराखंड के लिए बधाई के बहाने कुछ मिल जाए उसको लेकर, और दूसरा जो लोग दिवाली का इंतजार कर रहे थे उनका मुंह बंद करवा दिया जाए। हरियाणा में जीत मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दन दनाते हुए दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर ली। वैसे धामी जी जिस माहौल में हैं, वहां के हिसाब से वो पॉलिटिक्स करने में धीरे धीरे पारंगत बनते जा रहे हैं। वक्त का सही चुनाव करते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हरियाणा चुनाव की बधाई भी दी और इसी बहाने केदारनाथ उपचुनाव से पहले भेंट स्वरूप केदारनाथ की प्रतिकृति और प्रसाद प्रधानमंत्री को दे दिया और 3 महत्वपूर्ण मांगे रखी गई, जिनमें पहली महत्वपूर्ण मांग थी 21 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी को लेकर, देहरादून गौचर और चिन्यालीसौड़ के बीच हेलीकॉप्टर सर्विस को फिर से शुरू करने को लेकर, और सोन प्रयाग गौरीकुंड गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे की मांग भी रखी गई। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी भी बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि जहां जहां धामी ने प्रचार किया बीजेपी को वहां वहां जीत मिली। हरियाणा की जीत के ठीक बाद और केदारनाथ उपचुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की फोटो दूसरे मायनों में भी काफी खास है, क्योंकि बहुत से लोग और बहुत से गुट
उत्तराखंड में दिवाली का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली में क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले ये फोटो उन लोगों को ठीक वैसा ही फील दिलवा रही होगी जैसा कांग्रेस वाले हरियाणा रिजल्ट को लेकर के फील कर रहे हैं। अब फोटो में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में दिल्ली से खींची गई फोटो का बहुत बड़ा महत्व होता है। फोटो पॉलिटिक्स की एक झलक कुछ महीने पहले हमने देखी थी जब हर दूसरे दिन उत्तराखंड का कोई ना कोई बड़ा नेता दिल्ली में जाकर के मोदी शाह से मिल करके फोटो खिंचवा रहा था और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। उस समय इन्हीं फोटोज को देख करके कई सारे लोगों ने दिवाली तक का इंतजार करने का नैरेटिव भी शुरू कर दिया। लेकिन असलियत ये है कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये कोई नहीं जानता। अब केदारनाथ विधानसभा का जब जिक्र चल ही रहा है तो ये भी जानिए कि कौन कौन कितना कितना एक्टिव दिख रहा है। पूर्व विधायक दिवंगत शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत केदारनाथ विधानसभा में एक्टिव नजर आ रही है, लगातार जनसंपर्क कर रही है। कल ही अगस्त मुनि में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया गया, ये उन्हीं के द्वारा करवाया गया। इसमें पूर्व सीएम उत्तराखंड के और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बुलाया गया। स्वर्गीय शैला रानी रावत सामाजिक सेवा ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम था जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता में स्थान पाने वाले बच्चों को इनाम किताब दिया गया, साथ ही एक सहभोज का कार्यक्रम भी रखा गया था। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव पॉलिटिक्स में भले ही न हो लेकिन पुराने कद्दावर नेता हैं और कई बार उनकी बात और उनका साथ मंजिल तक पहुंचा भी देता है। जाहिर सी बात है कि ऐश्वर्या रावत भी टिकट की दावेदारी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बीजेपी की लेडी पावर एक्टिव हैं। केदारनाथ की पूर्व विधायक आशा नौटियाल भी लगातार भ्रमण कर रही हैं। वो बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन के साथ जनसंपर्क करती हुई नजर आई। गुप्तकाशी मंडल में सदस्यता अभियान के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ नजर आई, यानी कि बीजेपी की महिला दावेदार फुल एक्टिव है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना कि भाई हम पीछे थोड़े ना हैं, हम भी वहां पर एक्टिव हैं, टिकट किसे मिलेगा, इस पर उन्होंने कहा है कि सर्वे वहां पर लगातार चल रहा है। इस समय कांग्रेस का दूसरा सर्वे केदारनाथ में चल रहा है, संगठन गांव-गांव जा रहा है, लोग लगातार एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, पूछा जा रहा है, कुछ समय के बाद पर्यवेक्षक जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जो कार्यकर्ता चाहेगा वही किया जाएगा, जिसमें जीत का पोटेंशियल दिखेगा उसी का नाम टिकट की दावेदारी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और फिर हाईकमान से बात की जाएगी। हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, हमारी दूसरी सर्वे वहाँ चल रही है, हमारी टीम वहाँ है और हमारा संगठन लगातार गांव के भ्रमण कर रहा है, वो लोग बात कर रहे हैं, जल्दी ही हमारे पर्यवेक्षक वहाँ जाएंगे और उनकी भी रिपोर्ट्स आ जाएं और जो हमारी सर्वे हुई हैं दूसरी सर्वे समय चल रही है वहाँ ऑलरेडी, जो मेरे को लगता है कि 16-17 तक हमारे पास फाइनल आ जाएगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको हाईकमान से डिस्कस करने के बाद ही आगे कदम। अब देखिए चुनाव का एक दौर जम्मू कश्मीर और हरियाणा वाला तो निपट गया है, अब दूसरा दौर आएगा, हो सकता है कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड और यूपी के उपचुनावों की भी घोषणा जल्द ही हो जाए, लेकिन माहौल बनना तो अभी से ही शुरू हो गया है। बाकी हरियाणा में बीजेपी की जीत और उत्तराखंड में किसको क्या सीख, इस पर आप कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।